हेलो रुबाबियंस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज आपके लेसन जो है वो बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये सॉन्ग जो है वो फाइनली इसका ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। लास्ट ऑफ मोहिकन्स का जो थीम है उसका आज रुबाब ट्यूटोरियल होगा। सो लेट्स बिगिन। ओके, जैसे मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि कोई भी सॉन्ग प्ले करने से पहले मेक श्योर कि आपको रुबाब ट्यून में हो, जो कि है सी शार्प, एफ शार्प, बी। फाइन, जब भी ट्यून हो जाएगा उसके बाद जो है पहले जो पार्ट है वो आप सुन लें कि जो आपने प्ले करना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सो अब ये किस तरह से प्ले होगा कि आपने जो थर्ड स्ट्रिंग है, इसे मैं हर लेसन में कहता हूँ कि आपकी, क्योंकि सी शार्प, एफ शार्प, बी ये बोलना ज़रा मुश्किल है, तो आपकी जो सी शार्प स्ट्रिंग है वो फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। सो थर्ड स्ट्रिंग पे जो है आपने क्या करना है, थर्ड फ्रेट सेकंड ओपन, उसके बाद ओपन सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है। सो क्या होगा, थर्ड स्ट्रिंग ओपन, थर्ड फ्रेट सेकंड, फिफ्थ, ठीक। तो अब दोनों को कमान के अंदर क्या होगा, फिर थर्ड स्ट्रिंग पे जो एक नाम है थर्ड फ्रेट, उसके बाद सेवंथ, फिफ्थ, थर्ड सेकंड, फिर फिफ्थ, फिर दो दफा सेकंड ओपन। अब मैं इसे सिंपली एक बार फिर प्ले करूंगा। अच्छा, और इसके अंदर जो एक नाम है, अभी मैं बहुत सिंपल तरीके से प्ले किया है, जो सिंपल मेलोडी है, इसे आप इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो कि जो है ना, अब यहाँ मैं टैप कर रहा हूँ, इसके नोट्स नहीं आ रहे, नीचे नोट्स आ रहे हैं वो बहुत सिंपल हैं, लेकिन अब मैं फिंगर पोजीशन को देखना है, मैं क्या करता हूँ, इसे मैं बहुत स्लोली प्ले करूँगा, देखना। Back to the same thing. So ये आपका first part हो गया जो आपने play करना है। उसके बाद जो main इसका part है, main आप किस तरह से play करना है, अभी जो मैं प्ले कर रहा था वो डबल स्ट्रोक है, ठीक है। और इसे जो एक नाम है सिंपली, जो पहले टेक्निक है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसे प्ले करना है। ओपन सेकंड स्ट्रिंग, उसके बाद थर्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे, सेकंड ओपन, सेकंड ओपन थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे, फिर ओपन थर्ड स्ट्रिंग, अगेन थर्ड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग पे, फर्स्ट फ्रेट, फिर वही चीज।
कि मेरे साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये बेसिक दो दफ़ा रिपीट होना है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं इसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे, फिर यहाँ पे जो है कि ना आपने इधर जो है कि ना मैं थर्ड फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग पे और थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे आपने जो फिंगर रखनी है। आप किस तरह से, लिसन अगेन, उसके बाद यहाँ सेकंड फ्रेट, अगेन थर्ड, फिर सेकंड, ठीक, फिर फिफ्थ फ्रेट, थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड, ओपन, फिर वही चीज। फिर थर्ड फ्रेट, सेवेंथ, थर्ड फिफ्थ, सॉरी, ठीक है, थर्ड, थ्री 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 फाइव, थ्री थ्री फाइव, थ्री थ्री फाइव थ्री, फिर ओपन, सेकेंड सेकेंड, ठीक है, फिर फिफ्थ, टू 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 फाइव, टू टू फाइव, टू टू फाइव टू, ओपन, फिर वही चीज वापस। तो ये हो गया लास्ट मोहिकन्स का बेसिक जो टेक्निक है, कि जो आपने बेसिक अगर प्ले करना है तो इस तरह से प्ले करेंगे। उसके बाद जो है कि ना मैं, आप इसमें टैपिंग कर सकते हो, पुल ऑफ कर सकते हो इस तरह से। अब ये किस तरह से मैं कह रहा हूँ, अगर इसे तेजी से करें तो ये साउंड आएगी। ठीक, इसे मैं स्लोली प्ले करता हूँ, मेरी फिंगर पोजिशन को सिर्फ देखना। तो इस तरह से आपने लास्ट ऑफ मोहिकन्स प्ले करना है, नाउ डू प्रैक्टिस इट। आई होप आपको समझ आ गई कि आपने लास्ट ऑफ मोहिकन्स और बाबे कैसे प्ले करना है, नाउ डू प्रैक्टिस इट। और अगर आपको मेरा लेसन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक करना, ताकि जो मेरे आने वाले रुबाब लेसन हैं वो आप पहले होंगे जो देखें। सो अंटिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एवरीवन।